वास्तव बच्चों को अम्ब्रेले में डिजाइन सिखाने जा रही है। रेनी सीजन का सीजन आ गया है तो सबसे पहले आपको स्लीपिंग लाइन खिंचवानी है बच्चों से। मिडिल में अगर 6 इंच लेते हैं तो मिडिल में 3 इंच पे एक डॉट लगवा दीजिए। यहाँ पे 3 इंच लीजिए, इसको इस टाइप से आप इस टाइप से लीजिए या फिर डी बनवा दीजिए। इस टाइप से टर्न करा के बच्चे बिग डी आसानी से बना सकते हैं, तो उनको ऐसा डी बनवा दीजिए, ठीक है। और इसको ऐसा करके यहाँ पे मिडिल में एक एरो टाइप का बना दीजिए और फिर इसके इससे दो लाइन खींचिए। स्केल यूज़ कर सकते हैं, हम विदाउट स्केल कर रहे हैं, बच्चे स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल कर दीजिए, यहाँ पे उसके बटन बना दीजिए और इसमें यू शेप का यू, हर थोड़े दूर पे बच्चे बोलिए यू बना दें। ज़्यादा बड़ा बड़ा यू ना बनाए, छोटा स्मॉल स्मॉल बनाए, ऐसा स्मॉल यू बना दें, ठीक है। इस टाइप से इस पर हम सनफ्लावर की डिज़ाइन बना देते हैं। ऐसे दो सर्कल बनवाइए बच्चों से, कार्टून करेक्टर भी बना सकते हैं, फ्लावर की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी वो बना सकते हैं अपने मन से। तो हम एक दो ड्राइंग और भी आपको दिखा देंगे, ऐसा वो ऐसा उनको बोलिए फ्लावर बनाने को, सनफ्लावर। एक यहाँ बना दिया, एक हाफ़ दिखेगा क्योंकि इसके पीछे भी अम्ब्रेला है तो इसलिए ये हाफ दिखेगा, इसको ऐसा हाफ आप बनवाएंगे, ठीक है। आराम से एक एक पेटल्स, बच्चे उनको बोलना है ऐसे बनाओ और एक एक पेटल ऐसे करके ऐसे बनाओ। बच्चे क्या कहते हैं ऐसे करके, बच्चे क्या कहते हैं ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो उनको ऐसा मना कीजिएगा क्योंकि सनफ्लावर के पेटल्स ऐसे कॉर्नर वाले होते हैं, नुकीले होते हैं, इस टाइप से उनको लेना है। आराम से वो इसको अच्छे से लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे भी आपको दे देना है ताकि पूरा अम्ब्रेला भरा हुआ दिखे और बहुत खूबसूरत दिखे। जब भी आप अम्ब्रेला लगाएं तो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। फिर मिडल से लाइन खींचवाइए और उसको इसकी पत्तियों को लीफ को ऐसे बनवाइए वेव टाइप की, ये 10 ले लीजिए। ऐसा पूरा अम्ब्रेला फ्लावर एंड इससे भरा रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको पूरा अम्ब्रेले को इस सिंपल एकदम है, ये सेकेंड थर्ड के बच्चे आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा टर्न कर दिया इस टाइप से और येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कर देना है इसमें। ये येलो डलवा देना है सारे पेटल्स को, उसमें सारे फ्लावर को एक ही रंग के फ्लावर रहेंगे सारे। बीच में आप ब्राउन डलवा देंगे स्क्रिबलिंग करके, स्क्रिबलिंग करके ब्राउन डलवा दीजिएगा। पीछे वाले बैकग्राउंड में डीप ब्लू, स्लीपिंग लाइन में डीप ब्लू डलवाइएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे डार्क ग्रीन से आउटलाइन करना है, इसको डार्क ग्रीन से एकदम अच्छे से आउटलाइन करके इस टाइप से ऐसे लाइन करना है बच्चों को। और इसके अंदर लाइट ग्रीन डलवाना है इस टाइप से, ठीक है। आप इसको क्योंकि अभी स्कूल में अम्ब्रेले की डिज़ाइन या अम्ब्रेले पे डिज़ाइन ये सब टॉपिक आते हैं तो बच्चों को पहले से बनाए रहेंगे तो उनको आइडिया रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को तो ड्राइंग कंपटीशन में भी अम्ब्रेला आ जाता है तो उनको आइडिया रहेगा। इस टाइप से आप देखिए इसको, और जिस रंग का इसमें कुछ मेन कॉमन कलर है उसी रंग से उसकी हैंडल एक कलर कर दीजिएगा। ग्रीन हमने ले लिया, यहाँ पे हैंडल हमेशा बच्चों से ग्रे करवाइएगा क्योंकि स्टील का होता है, इसको ग्रे करवाइएगा, ठीक है। ऐसे हमने एक दो ड्राइंग और भी बना रखी है, आपको दिखाते हैं। इसमें हमने बटरफ्लाई ले लिया है, इसके अंदर हमने बटरफ्लाई ले लिया है। आप इसमें बटरफ्लाई में इसमें कलर डलवा दीजिएगा इस टाइप से। ये कलर डाला आपने, डार्क से आउटलाइन करना, लाइट कलर इसके अंदर इंट करना है। यहाँ पे थोड़ा हम येलो कलर डलवा देंगे ताकि थोड़ा कलर ब्राइट लगे, बटरफ्लाई का कलर ब्राइट लगे। और इसमें हम एक पिंक और एक इस टाइप से कलर कराए हैं, इस टाइप से आपको बटरफ्लाई में करना है। दूसरा हमने डक से बनाया है, ये देखिए डक से, डक को बीच में मिडल बना दिया है, डक का पानी दे दिया है। इसको आप अच्छे से कलर डालेंगे, बिल्कुल वाइट कलर नहीं दिखना चाहिए, ये हम बताने के लिए करते हैं, बट आप लोग बिल्कुल वाइट कलर नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। इस टाइप का यहाँ फिश बना देना है ऐसा करके। थोड़ा बारिश का सीज़न है इसलिए बारिश का थोड़ा ड्राइंग लेना, ये टाइगर टाइप की ड्राइंग ले ली है बच्चों के, बच्चों को टाइगर वाला अम्ब्रेला पसंद आता है तो इस टाइप से टाइगर ले लेना। टाइगर का जो कलर है वो कलर इसमें डाल देना है आपको, ब्लैक एंड ब्राउन इस टाइप से डालना है आपको, इस टाइप से करना है। और कार्टून के आप टेडी बियर ले सकते हैं, आप इस टाइप से अलग अलग टाइप की ड्राइंग ले सकते हैं। यहाँ पर वाइट लगा दीजिएगा आप, इस जगह पे वाइट लगाइएगा, पूरा वाइट कलर करवाइएगा दोनों उसके इस जगह पे। यहाँ पे आप रेड कलर डलवाइएगा, इस जगह पे रेड कलर, ठीक है। और इसके अंदर पूरा ब्लैक कलर इन करवा दीजिएगा। और इसके बाद मुस्टेशेस को जब कलर हो जाएगा उसके बाद लास्ट पे मुस्टेशेस में कलर डालने हैं। और यहाँ पे भी हम ऑकर येलो ले सकते हैं या फिर येलो भी ले सकते हैं, इस जगह पर हम लोग ऑकर येलो ले लेंगे इस टाइप से। और हैंडल के इस जगह पर हम ब्लैक लगा लेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप का भी ड्राइंग करा सकते हैं बच्चों से। और
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को भेजिएगा, जो भी आपके पहचान में छोटे बच्चे हैं उनको कराइएगा इस ड्राइंग को। और एक हमने ये डॉल्फिन की भी बनाई है ड्राइंग, डॉल्फिन में भी आप नीचे वाटर में इस टाइप से कलर कर सकते हैं, समुद्र में डॉल्फिन को जंप कर रही है इस टाइप का आपको दिखाना है, जो पानी है ऐसे उछल रहे हैं, ठीक है। डॉल्फिन ग्रे एंड वाइट रंग की होती है, ये पानी पूरा उछल रहा है, पानी में बारिश हो रही है, डॉल्फिन को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, और इस टाइप का आपको बताना है। इसमें ग्रे डाल देना आपको, ग्रे कलर डॉल्फिन का, ये वाला एरिया ग्रे होता है, ये वाला एरिया और नीचे वाला एरिया वाइट होता है, इस वाले एरिया के अंदर वाले एरिया में इसको वाइट लगाना है कलर, फिर ब्लैक से इसकी आउटलाइन कर देनी है, ठीक है, इस टाइप से। फिर आप इसको ब्लैक से इसकी आउटलाइन करेंगे, जब पूरी कलर होने के बाद सबसे लास्ट में ब्लैक कलर टच करना है, पहले आपको ब्लैक कलर नहीं टच करना, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, बच्चों से बताइएगा, नहीं तो ब्लैक कलर पूरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो अभी वीडियो हम बंद करते हैं, आप और भी सारे बच्चों को इसको भेजिएगा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।